पिला माने तो आमे प्रीवियस क्लास रे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विषय रे एक्सप्लेन करथिलु से थिला तुमरो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ता विषय रे आमे डिटेल्स पढ़ीथिलु तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन हबो एवं तार न्यूमेरिकल डिटेल्स आमे पढ़ीथिलु। तो आज आमे ठीक एक्जाक्ट से भलिया पढ़ीबु से होचे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पिला माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जेमिति ये समिति कले स्लाइटली डिफरेंस तुमको कहबी नॉले एक्सप्रेशन सेम। तो आम आज पढ़वा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन रो गोटे इम्पोर्टाट कलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विषय में पढ़ा। अच्छा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा पूर्व आमको आगे जानवाक पड़ो कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट आम क्या कहचे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट आम क्या कहचे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा देख छुआ तो आम जो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन जो बनते आम कौन कहते ना जो टेम्परेचर रे तो गोटे लिक्विड रो वेपर प्रेशरटा कौन हम इक्वाल से ही तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर सहित ताको आम कौन कहते आम हूँ बॉइलिंग पॉइंट कहते सीधा कथा जब आम विचार करवा तो जदि लिक्विड रो वेपर प्रेशरटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित तो इक्वाल हो गला जो टेम्परेचर रे आम से टेम्परेचर को से लिक्विड रो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भाव विचार करुले। तो ये ठीक से भाया कथ आसला कि आम तेल फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहवा ना फ्रीजिंग पॉइंट हूँ मे बी डिपेंड इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल विथ वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज तार सॉलिड फेज वेपर प्रेशर सहित सामान हम जो टेम्परेचर ताको तुम्हें कौन कहीपर फ्रीजिंग पॉइंट। सो राइट द डेफिनेशन सो फ्रीजिंग पॉइंट हूँ कौन फ्रीजिंग पॉइंट मे बी डिफाइंड इज फ्रीजिंग पॉइंट मे बी डिफाइंड इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल का सहित ना वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज हालांकि सॉलिड फेज। तो आम फ्रीजिंग पॉइंट ये हूँ डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट आम क्या कहवा ना जो टेम्परेचर कौन हम ना हूँ तुम्हारो लिक्विड रो वेपर प्रेशरटा समान हो तार सॉलिड फेज रो वेपर प्रेशर सहित तो। बा आम एमती भी परिप्रकाश कर पारा जो टेम्परेचर कौन हम ना सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को एक्जिस्ट जो टेम्परेचर आम एमती भी परिप्रकाश कर पारा है द टेम्परेचर एट व्हिच द टेम्परेचर एट व्हिच जो टेम्परेचर कौन हम ना बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट। तुम कहार कथा हूँ जो टेम्परेचर लिक्विड एवं सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस को एक्जिस्ट आम से टेम्परेचर को सीधा सब कौन कहीपर फ्रीजिंग पॉइंट कहींपर एकदम पूरा बुझेगा ना नहीं। अच्छा सो दैट तो बर्तन कहवा कथा हूँ जदि आम प्योर सल्फेट जदि आम प्योर सल्फेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड को एडिट कर दबा ताहाले कौन हम ना वेपर प्रेशर विल बी लोअर। तो वेपर प्रेशर कौन हम विल बी लोअर तो वेपर प्रेशर जो कमी जीव तामने आम कहार कथा हूँ तो सी कौन हम ना हूँ जो लिक्विड रे वेपर प्रेशर सहित समान हाँपाई हेल्ले कौन हम ताको टेम्परेचर कमेक पड़ो तेणु आम सीधा कथा कौन कहवा ना हूँ
तो सीधा कथा कहवा तो लिखा एटी नेक्स्ट कथा में यह लिखा नेक्स्ट कथा में यह लिखा जे व्वेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड विथ व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड विथ वोलाटाइल सॉल्वेंट तो जत्ते बड़े वोलाटाइल सॉल्वेंट रे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एड हो तो मु कोन कहली भाई जत्ते बड़े तुम्हें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट रे मिक्स करला तब सॉल्यूशन को आजिवो एति कथा माने सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड विथ वोलाटाइल सॉल्वेंट माने सॉल्यूशन तो कौन हम तुमको मु प्रीवियस क्लास रे कहिछि ना तो वेपर प्रेशर विल बी लोयर्ड तो वेपर प्रेशर टा कमी जीवो आमे अन्य पक्ष रे एक कथा कहि पारिबा जे यार अर्थ होउछि या कि होउछि तो एटी लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड टू इक्वल द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रो जो वेपर प्रेशर सहित समान हवा पई सॉल्यूशन को एटी कोन हबो ना टेम्परेचर कमेबा को पड़िबो यार अर्थ आसला तो लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड टू इक्वल विथ लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन टू इक्वल इट्स वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर सहित समान पाए समान हवा पाए हेले सॉल्यूशन रे टेम्परेचर टा कमी जीवो ता माने मु कोन कहली ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मो कहार तात्पर्य जे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सब लेस देन काट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो वोलाटाइल सॉल्वेंट सहित मिसीब तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे कमी जीवो वेपर प्रेशर विल बी लोअर तो लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन टू इक्वल इट्स वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट आम जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ुले उल्टा कथ आसला कौन आसला ना जोबले नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एड होता वोलाटाइल सॉल्वेंट सहित वेपर प्रेशर विल बी लोअर नो डाउट किंतु से सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर टा वन एटमॉस्फेयर प्रेशर सहित इक्वल हवा पाई तो टेम्परेचर राइज करूला तो सेटी कौन आसूला ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टा ऑलवेज ग्रेटर देन कौन आसूला ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट किंतु उल्टी उल्टा कथा आसला रिवर्स कथा आसला एटी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लेस देन कौन है गला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ताले कहबार तात्पर्य कथा केते फ्रीजिंग पॉइंट कमिला डेल्टा टीएफ इक्वल टू जणे कहि परबो ताले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस कोन हिजबो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ताले आमे प्योर सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दबा का को ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जहां तुमको डिफरेंस टेम्परेचर मिलला से टर्म को ही कहा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ताहा को ही कहा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तमे होचे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को नोटेशन दे परबो टी नॉट एफ तमे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को नोटेशन दे परबो टी एफ ताले टी नॉट एफ माइनस टी एफ यू कैन से डेल्टा टी एफ इंडिकेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा क्लियर है टर्मिनेशन
ताले फ्रीजिंग पॉइंट कहा को कहा जे पूरा क्लियर है कि पे फ्रीजिंग पॉइंट है जो टेम्परेचर गोटे लिक्विड वेपर प्रेशर टा समान हो कहा सहित ना वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेस जहाँ को आम इनडायरेक्टली कहीपर जो टेम्परेचर रे गोटे सब्सटेंस रो लिक्विड फेस एवं सॉलिड फेस को एक्जिस्ट होते से टेम्परेचर को आम कहू फ्रीजिंग पॉइंट से पॉइंट कौन कहू फ्रीजिंग पॉइंट एवं सब बड़ कथा आसला जदि आमे नॉन वोलेटाइल सॉलिड को वोलेटाइल सॉल्वेंट रे इंटरमिक्स कर देखिए आम सॉल्यूशन बनैले तो धीरे धीरे कौन हम ना वेपर प्रेशर टा कमी वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम ताले से जो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर टा ताले कि प्योर सॉल्वेंट रो सॉलिड फेज रे वेपर प्रेशर सहित इक्वल हबा पाई ताको लो टेम्परेचर मेंटेन करिया को पड़िबो लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन टू इक्वल इट्स वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट अर्थात आमे कही परबा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ताले उभयंकर टेम्परेचर जो डिफरेंस दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से ये डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट को आम कौन कहू ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ को आम नोटेशन देचु डेल्टा टीएफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट नोटेशन थिला डेल्टा टीबी सो टर्मिनेशन पर कंप्लीटली क्लियर हो गला बहुत बढ़िया कथा फ्रीजिंग पॉइंट विषय आम जानलु एवं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौटू आसला कहीं ये टर्म को यूज कलु ताकि नलेज पाईगले सो बर्तमान गोटे कथा आसला तो आम जब बर्तमान देखा गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आम करवा धरा जाऊ मैंने सिंपल कथा आसला कि मन कर ये आसला हूँ मन कर एमचे टेम्परेचर एक्सीस एटी नौचे वेपर प्रेसर एक्सीस ये तुम्हारा आसला टेम्परेचर एक्सीस ये तुम्हारा आसला वेपर प्रेसर एक्सीस तो मन करा जाओ मु कहले मन करा जाओ लाइक दिस सपोज ये तुम्हार हो सॉल्वेंट ये तुम्हार सॉल्वेंट तो मन करा जाओ ये तुम्हार हो कौन आसगला छुआ सॉल्वेंट एटा सॉल्वेंट घरटा तो सॉल्वेंट रो वर्तमान मु कह कथा ये हूँ मन करा जाओ तुम्हार कौन आसगला सॉल्यूशन 1 ये तुम्हें कौन आसगला सॉल्यूशन 2 आसला ये कर्वटा तुम्हार किए आसुआ सॉल्वेंट ये तुम्हार किए आसला छुआ मन करा जाओ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 1 लिखु जाए सॉल्यूशन 1 एटा सॉल्यूशन 1 एटी आम आउ गोटे सॉल्यूशन नीचे सॉल्यूशन 2 तो आम सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 आम नीचे तीन टा हूँ आम कर्व ड्रॉ कले अच्छा ये जो पॉइंट ये जो लाइन आसला तुम्हारा दैट इज आम कौन कह दिस इज हूँ सॉलिड फेस ये तुम्हें कौन आसला सॉलिड फेस ये कौन तुम आसला सॉलिड फेज एटा समस्त सॉलिड फेज लिख दूसरे सॉलिड फेज अच्छा मन करा जाओ ये जो लाइन एटा धरा जाओ पी नॉट अच्छा एटा जो बर्तन आसला ये ये दिस पॉइंट को धरा जाओ टी नॉट दिस पॉइंट को धरा जाओ टी नॉट तो वर्तमान ये जो आसला ये तुम्हारा आसला हो पी वन तो ये जो पॉइंट को हम धरा जाओ टी वन ये तुम्हारा आसला पी टू ये तुम्हारा आसला पी टू तो ये जो टेम्परेचर आसला आपको धरा जाओ टी टू तो लक्ष्य करके देख तो ये हूँ प्योर सॉल्वेंट रो फ्रीजिंग पॉइंट किंतु सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 रे धीरे धीरे फ्रीजिंग पॉइंट कमी चली देख ये टी नॉट आसला टी वन तुम टी आड़ को चल टेम्परेचर तो इड़क ना टेम्परेचर टा इड़क बड़ी बड़ी चलती ना कि तुम देख लो टेम्परेचर पाइल ना क्लीयर बुझेगा ना एकदम क्लीयर है अच्छा पिलाने देख दीटा एगुटा धर जाओ लिनियर लाइन डायल्यूट सॉल्यूशन ये जो कर्व गुड़ा से लिनियर लाइन धर जाओ देख ये गोटे ट्राइंगल आ गए देख ये गोटे बड़ ट्राइंगल आसगला तुम गोटे काम करा जाओ तुम गोटे पॉइंट दे दियो तुम इच्छा रे सेमती किसी ना तुम जहाँ गोटे दे दियो ए देदल मन कर एटा बी दे दियो एटा सी दे दियो
अच्छा एटा को गोटे ए अच्छा गोटे काम कर एटा ए बी सी को एटा ए बी सी कर दियो एटा को डी कर दियो एटा को ई कर दियो हला बढ़िया हो ए बी सी डी ई सब बर्तन मेंशन हो गला ए बी सी ये हला होछि तुम्हार डी ये हला ई ये ये सॉल्वेंट रो हला कि ये होछि एटा होछि कोन आसला दिस पॉइंट ए पॉइंट आ होछि कोन इंडिकेट कला प्योर सॉल्वेंट रे ए पॉइंट रे प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट आ सॉलिड स्टेट रे कोएग्जिस्ट ये पॉइंट रे सॉल्यूशन 1 तार होछि लिक्विड स्टेट आ ता सॉलिड स्टेट कोएग्जिस्ट ये पॉइंट रे सॉल्यूशन 2 तार लिक्विड स्टेट आ सॉलिड स्टेट होछि कोएग्जिस्ट तो दिस लाइन इंडिकेट द सॉलिड फेज ये लाइन इंडिकेट करछि सॉलिड फेज हला कि ए पॉइंट रे वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट रो पी नॉट धराय छै त टेंपरेचर को धराला केतना टी नॉट ये पॉइंट रे लाइन ड्रा करो ये टॉस कला कहा को वेपर प्रेशर एक्सिस को से पॉइंट आला पी1 पूरी लाइन एपोट हो छै तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो तो ये एक्स एक्सिस को जोटे हो छै माने इंटरसेक्ट कला दैट इज द टी1 सॉल्यूशन 2 रे लाइक दिस तुम्हें ए पॉइंट रे वर्तमान गुटे परपेंडिकुलर लाइन टे ड्रा करो 2 आवर्स हो छै काना वेपर प्रेशर पाइ तो ये जो टेम्परेचर से तुमको इंटरसेक्ट कला पी टू पुणी तुम्हें एक्स एक्सीस मीन टेम्परेचर एक्सीस प्रति गोटे लाइन ड्र कर सी तो आसा टी टू तो एकदम क्लियर है पी नॉट पी वन पी टू टी टू टी वन टी नॉट एकदम क्लियर है अर्थात कह कौन पी नॉट पी वन पी टू ये कौन इंडिकेट कला ये हूँ इंडिकेट कला आर दू डेस ना तुम वेपर प्रेसर अफ हो कार प्योर सॉल्वेंट हला कौन आसला प्योर सॉल्वेंट आसला हला कि ये आसला तुम कौन आसला ये तुम कौन कौन आसला तुम ये तुम आसला कौन ना सदा आम कहीपर पी नॉट पी वन एंड पी टू आर आर वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ कहार प्योर सॉल्वेंट कहार प्योर सॉल्वेंट आउ छ तुमरो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 1 एंड कारासिला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन 2 रेस्पेक्टिवली ये माने सब किए टी नॉट कमा टी वन एंड टी टू आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कमा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू रेस्पेक्टिवली हला ताला आम बुझीला ताला किए कौन पाई यूज कराला एकदम क्लियर है सब बर्तन चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा ताले वर्तमान देख छुआ दीटा ट्राइंगल ए बी डी ए सी ई सब वर्तमान कंपेयर करा जाऊ कंपेयर ट्राइंगल किए किए अच्छा छुआ ए बी डी एंड बड़ा छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल किए अच्छे देख छुआ ए सी ई कंपेयर ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी मु कही पारिबे कि छोटा ट्राइंगल रे बी डी बाय सी ई बी डी बाय कौन आसला छुआ सी ई बी डी बाय सी ई बी डी बाय सी ई इक्वल टू मु लिखि पारिबे कि ए डी बाय ए ई रेशियो फॉर्मेट रो ए डी बाय ए ई तो असुविधा किसी ना तो बी डी बाय सी ई इक्वल सुइथ कौन लिखे हम ए डी बाय ए ई ये तो लिखि पारिबो मैथमेटिकली ताले दिस इंप्लाइज दैट बी डी लाइन कौन इंडिकेट कर छ तमने जे को बी डी देखो छ कि एटा कौन आसला टी वन एटा देखो कौन आसला टी नॉट बट आगे कोटा लिखिबो टी नॉट काई कि ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन तो टी नॉट माइनस टी वन अपन कौन आसला छुआ सी ई देखो एटा कौन आसला टी नॉट त
तो ये कौन आसला तुम छुआ टी टू ताल कौन आस नॉट माइनस टी टू इक्वल टू ए डी ए डीटा कौन लक्ष्य कर देख छुआ पी नॉट माइनस कौन हम छुआ पी नॉट माइनस पी वन कहीं पी नॉट आगे लिखिले ना हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कारण ना हूँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बाय कौन आस पी नॉट माइनस के आसा छुआ पी टू कहीं तुम तेल कौन ए लक्ष्य कर देख ए तो ए री नॉट इ कौन आस पी टू पी नॉट माइनस पी टू सो दिस इंप्लाइज दैट एट आसा डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू तुम्हें लिखी पार्टा कौन डेल्टा पी सो एटा गोटे काम कर डेल्टा टी वन बाय कौन लिखी पार डेल्टा टी एफ टू इक्वल टू डेल्टा पी वन बाय डेल्टा पी टू नोटेशन कर दिस इंप्लाइज दैट दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी तमाने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तले डेल्टा टी एफ टा कहा सहित प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पी सहित है डेल्टा टी एफ टा किए डिप्रेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोयरिंग इन वेपर प्रेशर तो ये वर्तमान कथा में जानीगले ओके चलो नेक्स्ट सब वर्तमान ये पर्यटन समस्ते कन्फर्म हो गला तो हूँ ग्राफ रु तुम्हें बुझीपाल मुमती हूँ तुमको क्लीयर कले कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केमी डायरेक्टली रिलेटेड विथ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चलो नेक्स्ट कथा बुझा अच्छा से एकदम क्लीयर है अच्छा देख सो नेक्स्ट कथा आम जीवा फ्रॉम फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्स लॉ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अच्छा आम लिखी पारे आम तो हूँ ओरिजिनली जानचे राउल्स लॉ इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल्स विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को केमते एक्सप्रेस कर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन कौन इंडिकेट करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैपिटल एन इंडिकेट करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंडिकेट कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो मीनिंग हला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन तेणु आम राउल्स लॉ रो जो ओरिजिनल फॉर्मेट जानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किंतु आम डाइल्यूटेड कथा लिखिले तो मुझको कही तो हूँ डिनोमिनेटरटा कौन हो कैपिटल एन ऑलरेडी एक कथा कह जा तेणु बारंबार कह आवश्यक ना एन प्लस एन रहा कथा किंतु जेहेतु एन ग्रेटर देन हूँ स्मॉल एन तो डिनोमिनेटर कौन एक्सप्रेस हम इन दि फॉर्म ऑफ ओनली कैपिटल एन है कि कहीं जितेबाला सॉल्वेंट मोलटा बहुत एक्सेस हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थारु तो से डिनोमिनेटर केवल ही सॉल्वेंट मोल रे एक्सप्रेस हम ताले स्मॉल एन को लिखि परबा गिवन मास बाय मोलर मास डब्ल्यू एन इंडिकेट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट एम एन इंडिकेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डबल टू अपॉन एम टू दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ताले दीटा फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन ले कन्वर्जन करबा डब्ल्यू एन अपॉन एम वन इंटू एम टू अपॉन डबल टू तो वर्तमान पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट आपको कहती रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर खाली पी नॉट माइनस पी एस को कहती लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जहाँ आम राउल्स लॉ अंडर डिटेल्स पढ़ी सारे जी न बुझीपार प्रीवियस वीडियो को देख
सो देट तो बर्तन आम लिखि पारा कि पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू डब्ल्यू वन अपन एम वन इंटू एम टू अपन डबल टू इंटू पी नॉट। तो बर्तमान देख हूँ छुआ तो आम जो हूँ बर्तमान जो सॉल्वेंट नेले जीए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मानक सॉल्वेंट तो सीए आम तो सही कथा कहे आम खाली सॉल्यूशन केत कौचे ना तो सॉल्यूट मिस हो तर मोर कहार कथा होची जे प्योर सॉल्वेंट रो पी नॉट जहाँ को आम कहे प्योर वेपर प्रेशर एंड जो आज एम टू है मोलार मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर टेकन एज कांस्टेंट ताकू कांस्टेंट धरा गला कारण सी तो केवे चेंज हेनी ना तुम जिते डाइल्यूटेड कले कौन हो प्योर सॉल्वेंट रो प्योर वेपर प्रेशर एवं हो एम टू सब कांस्टेंट ताल दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा पी लिखो डेल्टा पी इक कौन हो छुआ कांस्टेंट हो गला कांस्टेंट जो माने ये कांस्टेंट ताले हूँ आम प्रोपोर्शनल चिन्ह दे डब्ल वन बाय एम वन इंटू के आस छुआ एम टू बाय डबल टू तार मैं कहार कथा हो डेल्टा पी इक्वल टू के गोटे के गुणी दि जाऊ डब्ल वन बाय एम वन सरी आम सरी सरी एम टूटा कन्स्टाट हो इंटू वन बाय डबल टू हेला डब्ल वन आम डेल्टा पी इक्वल टू के इंटू डब्ल वन बाय एम वन इंटू वन बै डबल टू है कि एम टू तो कन्स्टाट पी नट बी कन्स्टाट ताले के इंटू डब्ल वन बै एम वन इंटू वन बै डबल टू के इज प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टाट के को आम कौन कहू प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टाट सो दैट तो आम टीका पढ़ी डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू टीका तुम पढ़ी डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीएफ ताले सो दैट आम एकता लिखिपर डेल्टा पी जगह डेल्टा टीएफ को लिखा जाऊ इक्वल टू के डब्ल वन बै एम वन इंटू वन बै डबल टू बर्तमान ए इक्वेशन तुम्हें पाइल सो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के इंटू डब्ल वन बै एम वन इंटू वन बै डबल टू डब्ल वन आसला गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट एम वन आसला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डबल टू आसला गिवेन मास ऑफ सॉल्वेंट ताले ये कथा जदि आम जानीगले चल तीन टा केस दवा ताले केस वन इफ सी डब्ल वन बाय एम वन को एक मल विचार करा जाओ डबल टू को आम नवा कौन ना नि जाओ सपोज हो एक ग्राम नि जाओ ताल मोर कहार कथा डेल्टा टीएफ से जगह के ना नहीं कौच अरे डब्ल वन बै एम वन टा तुम तो यह पाठ थिला ना कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू के डब्ल वन बै एम वन इंटू वन बै डबल टू छो आ जगह तो वन फुट हो गला लिखी तो ये भी वन होगा अरे भाई डेल्टा टीएफ तो के ना तो सेतबाड़ आम को कौन कह सिंपल आम कौन कह सिंपल आम कह जो ये तुम्हारो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट तो सेतबाड़ के को आम कौन कह सिंपल आम कहीपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हला कि मे बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वन मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन वन ग्राम सॉल्वेंट वन मोल सॉल्यूटा एक ग्राम सॉल्वेंट रे डिजॉल्व हेले जी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा ऑब्जर्व हम ताहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट सहित समान तो यहीटा को लिटरली एमती डिफाइन करीपरिबा जे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वन मोल सॉल्यूट यस इज डिजॉल्व्ड इन वन ग्राम सॉल्वेंट जो यहाँ को एमती भी डिफाइन करीपरिबा नो डाउट जे
मे बी डिफाइंड एस, मे बी डिफाइंड एस, मे बी डिफाइंड एस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन व्हेन वन मोल सॉल्यूट, वन मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है एटा मागु कोइ छै बळे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन नो डाउट 1 ग्राम सॉल्वेंट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जीवा केस टू कोला स केस टू को आमे विचार करिवारे पिला जदि आमे W1 by M1 को एक मोल बोली विचार करिबा डबल टू को 100 ग्राम जदि नबा ताले कहानी कौन हो जीव तुम्हें निजे कहो भाई एटा तो वन आसा एटा हूँ कौन आसो 100 आसो ताले मैं सीधा कही पारि कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू तुम्हें निजे कह के बै 100 हो। अरे भाई यहाँ तो हूँ तुम वन है ना इंटू 1/100 तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कौन होगा के बै 100। अच्छा छुआ गोटे कम कर जाऊ रे बाबू ताले आम ये कौन करवा ना गोटे कम करें के बै 100 को धरा जाऊ भाभी के डैश गोटे धरा जाऊ के बै 100 को के डैश हेल्ले कौन हम छुआ के इक्वल टू हो गला 100 × KDS तो से जो के डैश को कहती यू कैन राइट मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट तले के बाय 100 टा के डैश है गला के इक्वल टू 100 इनटू के डैश यू कैन से मॉलिक्यूलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट तले मॉलिक्यूलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट तले मॉलिक्यूलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को जने परिप्रकाश करि परबो मे बी डिफाइंड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। यस ना ये थिला केस 2 रो कहानी आमे केस 3 रो कहानी को जीवा। अच्छा धरा जाओ पिला माने W1 by M1 इक्वल टू 1 मोल डबल टू को धरा जाओ 1000 ग्राम सेटी 100 ग्राम नहीं थी 1000 ग्राम ताले जो दिया मैं वैल्यू को पुट करी दबा ताले आम पाखरे ये तो कहानी बना रहे छुआ डेल्टा टेफ इक्वल टू के बाय 1000 हो ना ना किरे छुआ माने W1 आमर एक्चुअली फॉर्मूला कौन थी ना हूँ डेल्टा टेफ इक्वल टू के एफ इंटू W1 by M1 इंटू 1/W2 रे छुआ W1 by M1 जगह तो 1 मोल हो गला तेन 1/W2 जगह तो 1000 देली तो मैंने के बाय 1000 एकदम सिंपल कथा सिंपल बात ताले ना आम कही पारा कि जे के बाय 1000 को मु धरली मन कर जाऊ के एफ सो दिस इंप्लाइज दैट के इक्वल के छुआ के एफ इंटू 1000 तो ये के एफ को कौन कहती मलाल मलाल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट तर आउट ना कहा जाए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सेतेबेले कहितली जे के बी को कहौतला मोलाल एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट कांस्टेंट और कहौतला कौन एब्लेस्कोपिक कांस्टेंट एठे आसला क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ए सेति पाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड को कहा जाए क्रायोस्कोपिक मेथड।
बेले बेले हूँ काउनसिल एग्जाम एमती टर्मिनेसन चेंज करकी बी क्वेश्चन दिए तुम्हें भाव डिप्रेस इन फ्रिजिंग पॉइंट ये टर्म सहित बहुत पॉपुलर तुम्हें हो गल किंतु जदि माइंड में तुम्हारे नाटा को क्राश कॉपी मेथड कहती एत सुंदर लॉन्ग क्वेश्चन टाक छाड़ी आस तेणु पाने मो वीडियो रे भल भाव सब कथा गुड़ा वाच कर जो ठीक से बुझीपर जदि के इक्वल टू केफ आसला अच्छा अच्छा मुझे यहाँ मुझे लिखुली ना डेल्टा टेफ इक्वल टू आमर हूँ कौन थी के इंटु कौन थी डब्लू एन थी इंटु कौन थी एम एन थी वन बै के डबल टू थी भाई के जगह तीन कथा लिखी दौन केफ इंटु के गला वन थाउजेंड इंटु के गला डबल वन बै एम वन इंटु वन बै डबल टू यहाँ टी जब आम एरेज करदबा एरेज करदबा रीअरेज करदबा कौन हम डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डबल वन बै एम वन इंटु वन थाउजेंड अपन डबल टू मुझ हजार लिखी हजार लिखी कहार तात्पर्य एक्सप्रेशन मलालिटी तुम्हें पढ़ीच मलालिटी एक्सप्रेशन हो पार है कि मलालिटी एक्सप्रेशन होया मलालिटी इक्वल टू तुम्हें पढ़ुल नंबर ऑफ मल ऑफ सॉल्यूट इन हूँ डबल टू होती मुझे ग्राम दे डबल टू कौ थे अच्छी ग्राम कि मतलब के जी रन अच्छी हियर इज डबल टू इज गिवेन इन कौन छुआ देती ग्राम रही कि मोर यूनिट कौन अच्छे छुआ मल हूँ के जी रहा दरकार तो मुझे बाध्य कौन करी एन टाक तो भांगीदे डबल वन बाय एम एल छाड़ तो मत लिखी दे डबल टू ये लिखी दूसरी छुआ डबल टू इज गिवेन इन ग्राम मत जदि डबल टूटा ग्राम रि जाए कि मोर डेफिनेसन कौन कौन नंबर अफ मल्स अफ सल्यूट इज प्रेजेन्ट पार के जी अफ सल्वेन्ट पार के जी अफ सल्वेन्ट सल्वेन्टा के जी रस दरकार तो मत ग्राम रही तो के जी करने मत वन थाउजेंड डिवाइड करा पड़ो तो अटोमेटिकली वन थाउजेंड उपरको उठब ना ना सो दैट तो यहाँ मलालिटी एक्सप्रेशन तालोले कौन शिखले डेल्टा टी एफ इक्वल टू कैफ इंटू मलालिटी दिस एम इंडिकेट मलालिटी लिटी लिटी केफ कौन आसगला तुम हूँ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आ ये तुम पाखे आसगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एकदम बढ़िया कथा आसगला बढ़िया कथा आसला ये अच्छा जड़े मन करा जाऊ चाहिए कि मोलार मास सॉलिड को निर्णय करा जाऊ ए सूत्र रु अरे वेरी सिंपल कथा सिंपल बात है कौन हम देख छुआ तो बर्तमान सीधा कथा देख छुआ मुझ कौन लिखिपारे जब डेल्टा टी एफ इक्वल टू एति कथा लिखुची लिखुची ताले मुझे लिखिपारमि कि ये एक्सप्रेशन लिखी हे कि डिटर्मिनेशन बा लिखी दियो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा ठीक अच्छे तो आम पाखे एक्सप्रेशन तो यह आसगला कि डेल्टा टेफ इक्वल टू केफ इंटु डबल वन बै एम वन इंटु वन थाउजेंड अपन डबल टू ये आसगला ताल बर्तमान कौन हम कहानी कौटी रचना हम कहानी ये रचना हम डेल्टा टेफ सहित केफ को हरण कराऊे तुम राइट हैंड साइड रे डबल वन बै एम वन वन थाउजेंड अपन डबल टू रहीगला अरे भाई रेशियोटा को उल्टे दियो ना केफ बाई डेल्टा टी एफ हो ना ना इक्वल टू कौन हम एम वन इंटु डबल टू अपन कौन हो थाउजेंड इंटु डबल वन हाँ ना ना तो रेशियो को उल्टे देले मोर उद्देश्य मुझे एम वन को बाहर करी ताले एम वन गोटे साइड रे था तो बाकी साइड रे कौन हम ये तो केफ बाई डेल्टा टी एफ थी ताले बर्तमान जी हूँ तुम्हार ये जो हजार हूँ ये डिवाइड होता है मल्टीप्लाई डबल वन भी ये मल्टीप्लाई आउ भाई से गोटे दुखर कथा आसा डबल टू ये हूँ मल्टीप्लाई ये डिवाइड ओके सो मोलार मास ऑफ दिस एम वन इंडिकेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को निर्णय करने सीधा कथा अरे बाबू तुम यहीटा मन रखीदे अरे ऑटोमेटिकली मन बाहर जीव क्लियर चलो स
सब वर्तमान आम बहुत बढ़िया कथा जाणिले है कि मुझे तुमको टी आगे कहूली कि डिफरेंट होची सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ होचु डेस ना होचु केफ से मानकर होची फ्रीजिंग पॉइंट रे तांकर केफ वैल्यू निर्णय करा जायची तो सेमती किछि तुमको एटा घुसिया दरकार नाही एटा सेमती घुसिया दरकार नाही एटा देई थाए एग्जाम रे देई थाए अच्छा सो नॉट पॉइंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएफ तेणु डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएफ डिफरेंट सॉल्वेंट मानकर केएफ वैल्यू एकदम भिन्न भिन्न हालांकि अच्छा ठीक अच्छे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट तो आम मनकर नेले सपोज होचे किछो जो नेले सपोज नेम ऑफ सॉल्वेंट सपोज नेम ऑफ अ सॉल्वेंट एटी मनकर जो से मनकर फ्रीजिंग पॉइंट केते आउ से मनकर केएफ आ मनकर केएफ रे यूनिट पूरा केबि सहित समान बाबू एटा सुविधा कथा ने हां तुमे तो एटा एबे पढिलो ना डेल्टा टी एफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी केएफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन मोलालिटी डेल्टा टी एफ रे यूनिट डिग्री सेल्सियस रे जा केल्विन ले से तुमे नै गेलो केल्विन एटा मोल पर केजी तो केजी ऊपर गोठिला मोल इनवर्स सेट इज द वेरी सिंपल या सिबो केल्विन केजी मोल इनवर्स स के बी रो यूनिट जहा आर यूनिट से एका जिंस हला सो दैट चलो एका यूनिट आसला तो आमे वाटर कथा विचार करनबा वाटर कथा विचार करनबा तो वाटर कौन आसो वाटर हूँ तुम सॉल्वेंट आसला वाटर सबुठ आगर हूँ वाटर भाई फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस बा आम सीधा कहवा हूँ 273 केल्विन एवं तार जो केएफ वैल्यू निर्णय कर 1.86 यूनिट रहा यूनिट लिखिदेई ना केल्विन केजी मोल इनवर्स तेनाली बारंबार लिखा दरकार मेनसन हिअर तो द्वितीय सॉल्वेंट आसला हूँ मनकर इथाइल अल्कोहल कथ आसला इथाइल अल्कोहल हालांकि इथाइल अल्कोहल द चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ वाइन मद जे लोक पिए ये चीफ कंस्टिट्यूट ता बॉडी को इथेनॉल जाए ता विषय में ऑर्गेनिक स्टडी करवा बहुत बढ़िया कथा गुड़ा सब रही इथाइल अल्कोहल विषय बहुत बढ़िया कथा अच्छी तार फ्रीजिंग पॉइंट आई 155.7 अच्छा ठीक अच्छे एवं एटा 1.99 हम यस केल्विन एटा लिखा दरकार नहीं 1.99 तुम्हें कैलकुलेशन कला एप्रोक्सीमेटली दुई वैल्यू नहींगल किसी असुविधा ना तो बेंजिन कथा देखा तो बेंजिन हूँ आमर गोटे अर्गानिक हूँ सॉल्वेंट ता विषय तुम्हें जाच एटा 270.6 है तार फ्रीजिंग पॉइंट 5.12 हूँ तार केफ वैल्यू 278.6 है कि अच्छा सेमती क्लोरोफॉर्म देला हला कि क्लोरोफॉर्म जोटा सी एच सी एल थ्री तार तुम तार फ्रीजिंग पॉइंट आस तार आस 209.6 एवं तार जो केएफ वैल्यूटा आस 4.86 पाखापाखि है 4 पॉइंट होते नौची 86 कि ये पाखे आज पर पॉइंट 86 नहीं पर पॉइंट 799 सो दैट सो दिजार दा होची किछि एग्जांपल देले सो द नेम ऑफ अ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड होची द वैल्यू ऑफ होची केएफ तो तुमको देखियो अच्छा मन्ने करा जाओ केएफ वैल्यू क्वेश्चन रो देइनी हाउ टू कैलकुलेट केएफ थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेशन ऑफ केएफ यस किंतु बार करिवो सीधा कथा केबी इज इक्वल टू आउचे तुम्हें लिखि परिवो आर टी नॉट एफ स्क्वायर 1000 एलएफ आर टी नॉट एफ स्क्वायर इनटू 1000 एलएफ एकदम सिंपल कथा कि या कि तुम एथे जो आर तो तुम जान कंस्टेंट कैसे कंस्टेंट टीएफ हाला हूँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एलएफ टा खाली जानवर अच्छी एलएफ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
फ्यूजन का कहा जाए ना जो फिजिकल प्रोसेस रे लिक्विडटा सॉलिड कन्वर्जन हुए, जो फिजिकल प्रोसेस रे लिक्विडटा सॉलिड कन्वर्जन हुए सो दैट इज फ्यूजन। अच्छा एटा मन को न देछि द लैटेंट रेट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू तुम लिखि परबो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग सॉरी आई एम एस सॉरी 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 ये मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट। सो एल एफ इक्वल टू डेल्टा एस एफ अपन एम टू, एम टू एला तो ये डेल्टा एस एफ टा कौन एंथाल्पी, एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन ये तुम्हारा सिला मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके सो ये तुम जब ये पुट करदेव ताल के एफ इक्वल के आर तो आर अच्छी टी नॉट एफ तो स्क्वायर आसला बाय हूँ के 1000 एल एफ जगह पुट कर दौन डेल्टा एस एफ बाय के एम टू तमें कत आर टी नॉट एफ स्क्वायर इंटू के एम टू अपन के 1000 डेल्टा एस एफ। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का कहा जाए ना एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन वन मोल लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू सॉलिड कंडीशन बा सॉलिड फेज। तो गुटे मोल लिक्विड को सॉलिड रे कन्वर्जन करबा पाई केते एनर्जी रो आवश्यकता, केते एनर्जी रिक्वायर्ड ताको आमे कहु एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टा पर ग्राम प्रति कैलकुलेशन करा जाए। एक ग्राम लिक्विड को सॉलिड रे कन्वर्जन करबा पाई केते एनर्जी रो आवश्यकता तेणु से कहगला जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी इक्वल विथ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो दैट तो मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेस कली एल एफ इक्वल टू डेल्टा एस एफ अपन एम टू, सो दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपन दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यू विल गेट एल एफ। और तुम यहाँ जब सब्स्टिट्यूट कर दो इन दैट एक्सप्रेशन सो यू विल गेट द के एफ इक्वल टू मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इक्वल टू आर टी नॉट एफ स्क्वायर अपन 1000 डेल्टा एस एफ बाय एम टू ऊपर गोटे गला वेरी सिंपल कन्वर्सन। प्राय तुमको प्लस टू लेवल ले मागे ना के एफ कैलकुलेशन मागे गोटे जाणी था। अच्छा ठीक अच्छे तो ये तले गोटे कथा कही पारे तो पिला माने ये मुझे कही पारे तो देख पिला माने तो अच्छा आम जो रिलेशन टिकट देखीद जो दुईटा कथा आम पढ़ले द रिलेशन बिटवीन के बी आउ के एफ, के बी एंड के एफ बहुत बढ़िया कथा। तुम्हें तो हूँ प्रीवियस क्लास रे या पढ़ी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलारिटी इक्वेशन वन एसन नाक नहींटा को नहीं एम इक्वल टू मोलारिटी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपन के बी ये इक्वेशन वन। तो आज का क्लास रे या तो पढ़ल ना डेल्टा टी पी इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी दिस इम्प्लाइज दैट मोलालिटी इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपन के एफ येस दैट इज इक्वेशन टू। तो बर्तमान देख छुआ ये मोलालिटी एक्सप्रेशन डेल्टा टी अपन के भी ये हूँ एम इक्वल टू डेल्टा टी एफ बै के एफ दुई इक्वेशन को कंपेयर कले कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू सीधा कथा किचिट नहीं स्पष्ट बात डेल्टा टी बी अपन के बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपन के एफ हाँ ना ताले छुआ आम लिखिपर ना के बी बाई के एफ आर ए बाय बी इक्वल सी बाय डी मैथमेटिक्स पढ़ ना ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी बी बाय डी इक्वल टू ए बाय सी। तो ये फॉर्मेट आम लिखी पार के बी बाय के एफ इक्वल टू डेल्टा टी बी अपन डेल्टा टी एफ हाँ ना तुम्हें हूँ के बी बाई के एफ कौन शिखुल के बी एक्सप्रेशन को तुम्हें को आर टी नॉट बी र स्क्वायर अपन 1000 एल भी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के एफ रे बेसिकल आर टी नॉट एफ र स्क्वायर अपन 1000 एल एफ इक्वल टू तो आम लिखी पारा ना डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एफ। तो बर्तमान आपको दुईटा हो भग्नांश अच्छे जापार मुझे तुम्हें बुझीपार आर आर कैनसल 1000 कैनसल सब कैनसल हो कैनसल होगापर रहा किए रे बाबू टी नट हो बी र स्क्वायर बाई आम लिखिपर कि टी नट एफ र स्क्वायर इंटू हूँ ऊपर को उठब किए एल एफ एल एफ एल एफ
तो ये रही के एल भी इक्वल टू के आसगला डेल्टा टी भी बाय डेल्टा टी तो ये आसला तुम्हार एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट छुआ एटा को तो एमती भी लिखी पार टी नॉट बी दिजन स्क्वायर अच्छे ना ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ए बाय बी होल स्क्वायर टी नॉट ई फिर स्क्वायर भी लिखी दे पार सीधा कथा ये एल एफ बाय हूँ आसला एल एफ बाय हूँ आसला एल भी लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपन लाटेंट वेपरेशन हाँ ना ना तो इक्वल टू केसगला डेल्टा टी बी बाय डेल्टा टी एफ यस ये एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन तो आमको जदि मन कर एग्जाम रे ये सब वैल्यू दे आराम से बाहर कर अच्छा ठीक अच्छे आपको ये फॉर्मूला को जन एमती भी करपर कि ना सपोज जन चाहिए से कह सर मुझे एमती कले कौन असुविधा हो कि ना तुम इच्छा मैथमेटिकल ठीक हवा दरकार आता ना ये एल एफ ये आसला एल भी से इक्वल टू कौन हमारे छुआ डेल्टा टी को सी तार कह मुझे लिखी तांकर टी नट हूँ सी लिखे डेल्टा टी को टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस लिख बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट किंतु ये डेल्टा टी केस रे उल्टा एठे हम टी नट एफ माइनस टी एफ कहीं डेल्टा टी है कौन ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो टी बी माइनस टी नट बी किंतु डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट केस रे कौन हम ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो टी नट एफ माइनस टी एफ बस बस यस एमती भी जो देखिपर कि असुविधा ना चलो तो आम गोटे न्यूमेरिकल को आगे नवा आज का क्लास को शेष करने पूर्व तो आज का जो पाठ पढ़ागला तापर एक गणित को परखी नवा सब बहुत बढ़िया लॉन्ग क्वेश्चन आसे बहुत सुंदर कथा सुंदर पाठटा पढ़ागला बहुत बढ़िया कथा तो आम सीधा आंसर को जीवा चलो क्वेश्चन देखिए 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल 1 ग्राम होची सॉल्यूट अच्छी डीजल कराई 50 ग्राम होची बेंजीन तो लोयर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन है कि तो बहुत बढ़िया कथा तो आम को क्वेश्चन देखिए या 1 ग्राम राइट डाउन द क्वेश्चन 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जी की एसोसिएट हो नॉन वोलेटाइल आउट देचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ओके सो 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने से एसोसिएट हो सॉल्यूट एसोसिएट हो कि डिसोसिएट हो से नेचर नाटा कहते नॉन इलेक्ट्रोलाइट सो 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट ता सॉल्वेंट अच्छी बेंजीन केते ना 50 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोयर्ड बाय 0.40 केल्विन इफ केएफ फॉर बेंजीन इज लिखुले टी 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स देन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये हूँ पाठ कौन हम देख पाने आम को ये कौन क्वेश्चन दिखाई कौन आमको डबल वन आमको डबल टू भी दे बेंजीन सॉल्वेंट अच्छे 50 ग्राम आमको एम वन टा क्वेश्चन मार्क जाना ना मोलर मास सॉल्यूट क्वेश्चन मार्क तो आमको ये दिखाई हूँ तुम्हार डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ भी दिखाई 0.40 के लिखी ना फ्रिज विल बी लोयर्ड मान के डेल्टा टी एफ दे तो मत के एफ वैल्यू भी
जना अच्छे फॉर बेंजीन केते दिछे ना 5.12 केल्विन केजीमोल इनवर्स। तो क्वेश्चन होचे कि मलामा सॉल्यूट केते, अरे भाई सीधा कथा, सीधा कथा कौन लिखी भी? ना मुझे तो लिखी परिमी डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ डॉलन बाय एम वन 1000 बाय डब्ल्यू टू है तुम्हें दरकार नहीं डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर दियो तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकल हो जाए। तो डब्ल्यू एन जगह डेल्टा टी एफ वैल्यू के आगे पुट कर दियो 0.40 ओके के एफ वैल्यू तो जाचो 5.12 किसी घुसा दरकार नहीं डब्ल्यू एन वैल्यू जहाँ अच्छे से पुट कर डब्ल्यू एन वैल्यू दीची 1 ग्राम तो एम वन वैल्यू जाना नहीं छाड़ दि तो 1000 यस तो तुम पाखे हो कौन रही ना हो डबल टू वैल्यू के 50 ग्राम भाई आपको काटिक छतु कर भाई ये 20 हो गला ये तो 20 है तो मल्टीप्लाई करो तो हूँ मैं कह कथा आपको मल्टीप्लाई कले आस दुई दिन हो 4 × 2 = 2 × 2 = 5 = 10 तो ये हूँ आसला ये आसो ना नहीं दुई चार अच्छा तेना पॉइंट पक यस तो 102.40 भाई के आसला कह एम वन है तो यहाँ वन अच्छे से मन के तब कह तेमन के तब कह तेमन हम 102.40 अपन के तब 0.40 भाई ये तो कटिगला तो 100 102 4 बाई के आसला ये भी कटिगला तो 102.4/4 एत ग्राम हम एति ग्राम एटा कैलकुलेट कर दियो एटा को तुम डिवाइड करके देख तुम के आस देख एट आस कैलकुलेट करदे 4 × 8 = 20 यस 256 ग्राम से एम वन इक्वल टू दिस एम वन कौन इंडिकेट कर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट से तो मागे क्वेश्चन ना कौन आशा कर समस्ते बुझीपार पाने तो वीडियो को भल भाव वाश कर एवं एवं तुम्हें ट्राए कर सब जिन बुझापाई जदि असुविधा हुए तो मत कंटाक्ट कर वीडियो को बारंबार प्ले कर ना मत कंटाक्ट कर किंतु देखो पिला माने वीडियो पढ़ो।